हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और हाँ, आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं थंबनेल देख के समझ चुके होगे। हाँ, मतलब प्रिपरेशन कितने दिन में एएलपी का हो सकता है कंप्लीट, और उसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि मेरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ था। दूसरा बात, एक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया मेरा ये वाला उंगली कटा हुआ है, मेरे सर पे चोट लगा हुआ, कुछ भाई लोगों ने फोटो भेजा था, तो वो चीज मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मतलब सबका वो प्राइवेट चीज है कि मतलब किसका क्या प्रॉब्लम है। कोई हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम पूछ रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब रिब में चोट लगा हुआ है, यहाँ दर्द होता है, तो ये सब चीजों से क्या मैं पढ़ाई करूँ एएलपी के लिए, ये प्रॉब्लम। तो पहला वाला तो सवाल है जो उसके बारे में पहले बात करते हैं कि हाँ, प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है और इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए। इनिशियल स्टेप मतलब कि अभी मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, क्या करूं, वो चीज। तो देखो, मेरे हिसाब से इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस भाई तुमको कैसे पता चलेगा वो मैं बताता हूं। तो सिलेबस पता करने का सबसे आसान तरीका है प्रीवियस ईयर उठा के देखो, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। ये तुमको बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मतलब बुक, दो प्रैक्टिस सेट नहीं, दो तीन प्रैक्टिस सेट का बुक लगाओगे, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा सिलेबस, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इनिशियल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा मैथ और रीजनिंग। इनिशियली इस सब्जेक्ट को तुम अच्छे से कंप्लीट करो, तुमको बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाता है, तो ही आगे सब्जेक्ट में मूव करो, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा चीज है जो अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन मुमकिन नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो अब आते हैं उस बात पे जो कि तुमको इंतजार था कि प्रिपरेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ, देखो मैं CBT 1 के लिए स्पेशली एलपी के लिए नहीं पढ़ा हूँ, स्पेशली CBT 2 और CBT 3 के लिए पढ़ा था। CBT 3 को साइड रखो, CBT 2 के लिए अगर तुम 6 महीने पढ़ते हो तो बहुत है। मैं 6 महीने पढ़ा था। तुम्हारा IQ लेवल कैसा है, तुम्हारा पहले से बेसिक कैसा है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बेसिक मतलब कि मैथ का तुमको स्टार्टिंग पोर्शन आता है, मतलब तुमको पता है कि SI CI क्या होता है, मतलब सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तुमको इन परसेंटेज के बारे में बहुत पहले से ही पता है, ट्रिग्नोमेट्री तुमको आता है, तो तुमको प्रिपरेशन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। साइंस तुम्हारा बेसिक कंप्लीट है, तुमको NaCl का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो तुम बता रहे हो, तुमको पता है कि वो नमक को बोलते हैं। ये सब चीज तुम्हारा अगर बेसिक कंप्लीट है तो तैयारी करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, और नहीं है तो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसे तुम अपने हिसाब से अपना समझ के IQ लेवल अपना कभी भी अपना कमी मानना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, या मैं पढ़ने में वीक हूं। अगर तुमको ये चीज पता है कि मैं पढ़ने में वीक हूं तो तुम्हें निकाल सकते हो अगर तुम वीक हो तो। लेकिन अगर तुम वीक हो और तुमको लगता है कि नहीं मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूं, तो तुम नहीं निकाल सकते। तो अपना लेवल समझ के कितना टाइम देना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो देख लो। हाँ, अगर कोई बंदा पढ़ने में ठीक है, बेसिक कंप्लीट है, तो वो ALP 6 महीने पढ़ के आराम से निकाल सकता है। ये हो गया टाइमिंग का बात। अब आते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर तुमको अच्छे से पता होगा, वो इनिशियल स्टेप होना चाहिए, तो उसके लिए दो तीन बुक्स बताता हूँ और उसके आगे चलते हैं फिर कि हाँ, मेडिकल प्रॉब्लम वाला कि किसी के सर में चोट लगा हुआ, भाई ने भेजा था, वो सब बात करेंगे। अभी बुक्स देख लो। तो हाँ देखो, ये बुक है एक रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से मैथ का। जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस ईयर तुमको पता होना चाहिए, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रीवियस ईयर लगाऊं, जैसे कि ये मैथ के लिए हो गया, आगे भी बताता हूँ रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए प्रीवियस ईयर। इसमें क्या है कि आ गया भाई, देखो इसमें ये दिया हुआ है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, NTPC Stage 1, Stage 2 दोनों, RRB JEE, RPF और ALP। तो इसमें सब में सिर्फ जो कि मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है। और इसमें एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जैसा है, तुम चाहो तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया हुआ है। और मतलब कि उस शिफ्ट में मैथ का जितना भी सवाल आया था वो एक जगह किया हुआ है, मतलब फिक्स तो नहीं रहता, किसी में 25 आया, किसी में 26 आया, किसी में 27 आया, और प्रैक्टिस सेट जैसा है ये मैथ का। इसके आगे सेम चीज रीजनिंग के लिए भी है, इसमें तुम्हारा पूरा ऐसे ही सेट करके दिया हुआ है, ग्रुप डी, NTPC Stage 1, Stage 2 सबका। इसमें मतलब रीजनिंग के तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो हाँ, इनिशियली इस बुक को लेकर तुम ये समझ सकते हो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब तुमको ये पता होना चाहिए कि खेलना कैसे है, जरूरी है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि खेलना क्या है,
तुमको क्रिकेट का प्रिपरेशन करा के फुटबॉल खिलाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना ब्रो, समझ रहे हो। इसलिए ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं वो। और सेम बुक है साइंस के लिए, इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है। और इसमें मतलब साइंस वाले में मैं बताया था, देखो जैसे कि किसी क्वेश्चंस का ये आंसर दिया हुआ है साइंस का, एक आंसर से भी निपटा सकता था, लेकिन उससे रिलेटेड जितना है इतना सवाल इसमें दिया हुआ है। तो साइंस वाले बुक के लिए मैं खास कर बोलूंगा कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का कमाल का होता है, तो ये सब बहुत कमाल का है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के बदले तुम्हारा 10 क्वेश्चन तैयार होगा, किसी में 5 क्वेश्चन तैयार होगा साइंस के लिए। और जीके के लिए भी अगर कोई आता है, जैसे एलपी में जीके नहीं है, मैं बताऊंगा, और बुक्स तो मैं बताता ही रहता हूँ, तो उसके लिए भी ये चीज बहुत बढ़िया है। तो ये तीनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनिशियल जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकली जो कि प्रॉब्लम है, और वो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं। और इसमें एक चीज ऐड करते हैं, जैसे आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग पूछते हैं कि क्या मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, अभी से पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैं अगर मेडिकल अनफिट हो गया तो क्या होगा। देखो एलपी का सिलेबस ऐसा है, मैथ साइंस और रीजनिंग, जो कि हर एग्जाम में आता है। मान लो तुम वहां जाके मेडिकली अनफिट हो गए, या मान लो कि वैकेंसी आने से पहले तुम्हारा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, जो डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ उन लोगों के लिए एक स्पेशल चीज, एक दिन में तो तैयारी नहीं हो जाएगा ना तुम्हारा। अगर अभी से तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो और बीच में कोई और एग्जाम देते रहते हो, तुम्हें उससे एक्सपीरियंस होगा, वो अच्छा चीज है। मैथ, रीजनिंग और साइंस, हर इंडिया के कोई भी एग्जाम दो, उसमें ये तीनों सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि देखो किस चीज के लिए सोचा जाता है कि मैं इस चीज के लिए पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, जैसे उसका सिलेबस हटके है दुनिया से, मतलब और एग्जाम से सीधा हटके है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर वो चीज नहीं हुआ तो। लेकिन जिनका मेडिकल प्रॉब्लम है, मान लो तुम एएलपी के लिए अनफिट हो और दूसरे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो ये सिलेबस सेम है ना, ये सिलेबस कहीं पे भी घुस जाएगा। एलपी का सिलेबस आलू है यार, जो हर सब्जेक्ट के साथ फिट हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, हर एग्जाम में ये चीज घुसा हुआ है, तो आराम से पढ़ सकते हो कृपया। और एक बात, जो लोग मेडिकल वाले मेरे पास भेजते हैं, ठीक है भाई मुझे जितना नॉलेज होता है मैं बताता हूँ, जैसे आंख के बारे में, कान के बारे में। और कुछ लोग पूछते हैं जैसे उंगली में प्रॉब्लम है, तो एक मेरा दोस्त है, उसके उंगली में प्रॉब्लम है, वो ग्रुप डी के मेडिकल में सिलेक्ट हो गया है, लेकिन एएलपी में मैं नहीं देखा हूँ किसी को ऐसे उंगली कटा हुआ है कुछ भी। तो मेडिकल के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो किसी डॉक्टर से जानकारी लो, मुझे उतना नहीं पता है, हाँ जितना पता है उतना मैं बताने का कोशिश करता हूँ। लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा कि चाहे तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमको मेडिकल लगता है कि मैं अनफिट हो सकता हूँ, तो प्रिपरेशन करो, क्योंकि इसका सिलेबस हर जगह फिट होता है। अब मान लो एग्जाम निकल गया, वहां गए, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, डॉक्टर ने तुमको फिट कर दिया, हो जाएगा तुम्हारा, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, डॉक्टर फिट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जैसे कि डायरेक्ट भगाया भी नहीं जाता है, वहां से तुमको दूसरे हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वहां से अगर तुम फिट लेके आ जाते हो कि फिजिकली तुम फिट हो, तो तुमको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तुम्हारा डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम पढ़ो इस एग्जाम में नहीं तो दूसरे एग्जाम में तो यूज होगा मैथ साइंस। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसका सिलेबस ऐसा है कि तुम पढ़ के किसी भी एग्जाम में इसको घुसा सकते हो, किसी भी एग्जाम में यूज होगा, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। तो हाँ इतना ही बस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो तुमको पता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तुमको आता ही है, अगर नए हो तो, पुराने हो तो सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, हाँ अपना ख्याल रखो, पढ़ाई वढ़ाई करो यार। हाँ वो बुक जो मैंने बताया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, खरीदना हो तो खरीद सकते हो।